तो चलिए आज हम ना फिर से बटन पट्टी से स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट रेडी करते हैं। मैंने ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड की है, उसमें राव ने बताया है, और ये रिक्वेस्ट वीडियो है। इसमें मैं वी शेप बताने जा रही हूँ, साथ में फंदे क्लियर कर लेती हूँ कि 90 फंदे मैंने लगाए हुए हैं। और सिंपल निटिंग वाली टक बटन्स का यूज़ कर सकते हैं, कार्ड वाले तो यहाँ पर जो कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में रो देख लीजिए, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि आपने 18, 22, 26 जितने भी चौड़ा चाहते हैं ना रख सकते हो, ठीक है। तो हमने करना क्या है, वी शेप के लिए हमने यहाँ पर देखिए हमारा कैरिज लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तब हमने यहाँ पर एक साथ हमने जो है इस तरह से 3 फंदों को बढ़ा लेना है, ठीक है। और ये कितने बढ़ाना है मैं आपको वीडियो के बीच में क्लियर करती हूँ। हमारी बगल्स कितनी रहेगी, आर्म खोज, ठीक है। तो चलिए पहले इस तरह से हमने, आप चाहो तो यहाँ पर प्लेन कर लीजिए, आप चाहो तो यहाँ पर टू कलर का कर लीजिए, ये चॉइस है आपकी। आप चाहो तो जाली का पैटर्न भी दे सकते हो। अगेन फिर आ गई मैं दोबारा यहाँ पर, अब फिर दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से करते हुए जाना है, देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, यहाँ पर ये इस तरह से, इस तरह से हमारे जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, है ना। तो टोटल कितने फंदे करने हैं तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए 3-3 करके मैंने यहाँ पर बढ़ा दिए हैं, तो टोटल मेरे 41 आए हैं। और मैंने इसे माप लिया है तो ये मतलब 7.5 इंच इसकी गुलाई आ रही है, ठीक है ना, 7, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। अब आपने जितना आपका मोंडा रहता है, ठीक है, 32 रो का 2 कलर का पैटर्न डालना है। मैं आपको ना यहाँ पर माप पे दिखा लेती हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर लेती हूँ। ऐसे ये 8 दिख रहा है ना मेरे यहाँ से ट्रायंगल में, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा बी शेप का, ठीक है। जब आप इसे उठाएंगे ना तब आपने इसे जो है क्लियर उठाते हुए जानना है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है 2 कलर का पैटर्न डाल देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और नॉलेज देती हूँ, यदि आपको लगता है ये पोर्शन मेरा ज़्यादा चौड़ा आ रहा है, ठीक है, तब आपने क्या करना है यहाँ से, ठीक है, 5, जैसे मैं 3-3 बढ़ाया है, 5-5 बढ़ाते हुए जाएंगे, तब आपकी इसकी चौड़ाई कम आएगी। देन आपका डिजाइन मैंने बना दिया है, यहाँ पर मेरी पूरी जो रो लगी है ना 32 लगी हुई है। अब जितने हमने यहाँ पर बढ़ाए थे, मैंने तो 41 किए, आप अगर 5 का ग्राफ करोगे तब आपने 45 बनाकर 45 भी लेस करने हैं, ठीक है। इस तरह से घटा लीजिए आप, फिर सेम ट्रिक है मेरी, मैंने जैसे आपको वीडियोस में बताया हुआ है ना बगल का किस तरह से करना है। तो चलिए पहले मैं इसे लेस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर नाप के दिखा रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर कोई भी प्लान रो नहीं लेनी है हमने, ठीक है। हमने क्या करना है, अब कैरिज को हमने राइट हैंड साइड ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फंदे लगाने का तरीका भी आपको बता लेती हूँ। यहाँ पर मेरा 70 शो हो रहा है और यहाँ मेरा 20, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पर मैंने देखिए इन फंदों को इधर की ओर अपनी ओर निकाल देने, और मेरे यहाँ कितने रखने, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 है। तो मैं यहाँ पर
कम करूँगी, मैं यहाँ पर 25 या 30 ही रखूँगी। चलो मैं यहाँ पर 30 रख लेती हूँ, ठीक है। तो हमने करना क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने टक बटन का यूज़ करना है, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पर हमने कमर की शेप देने के लिए 5 5 इस तरह से लास्ट में निकालते हुए लास्ट तक हम जाएंगे। ये सारे फिनिश कर दिए, अपनी ओर निकालने हैं, आ जाइए। अब मैंने यहाँ पर, ठीक है, इस वाली साइड में 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16 ठीक है। इससे क्या हो गया, हमारे यहाँ पर देखिए बगल का हमारे को जो है यहाँ पर शेप आ गई है। अब बटन बंद कर देंगे और सभी को हम जो है लेस करेंगे। इस तरह से ये परफेक्ट नाप का बन गया है। और साथ में मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 3 4 5 ये ना यहाँ पर ब्रस्ट के अकॉर्डिंग ये आपकी चौड़ाई जो होती है उसके अकॉर्डिंग ये आपका ये पीस बनता है। तो चलो मैं आपको अभी ये फिनिश करके दिखा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट जो बनेगा ना, बस आपने क्या करना है, राइट एंड लेफ्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। फंदों की नॉलेज भी मैं अगेन आपको बता रही हूँ, जैसे मेरा दूसरे बारे में 90 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में 20, इस तरह से जो आपका बढ़ाने का तरीका होगा ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। जीरो देखते हुए इसको नहीं बनाते हैं हम, है ना। तो इस तरह से मेरा ये जो पेस है ये मेरा कंप्लीट होता है। देखिए बगल का भी मेरा आ गया है, मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से है ना, तो आप चाहो तो इसकी चौड़ाई जो है कम भी ले सकते हो। यहाँ से फिर आपका जो फंदे उठेंगे, यहाँ से नेक के फंदे उठेंगे ना हमारे, फिर इसके साथ जुड़ेंगे और बैक पल्ले के साथ जुड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है परफेक्ट नाप का बन चुका है। तो आपने क्या करना है, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है। थैंक यू।